बच्चों आज हम ग्रामर में एक और नया टॉपिक सीख रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये बहुत ही एक बेसिक सा टॉपिक है बट ये टॉपिक आपको काम आएगा बहुत लॉन्ग रन में, ठीक है। सो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे आज। सबसे पहले तो सेंटेंसेस का मतलब जानते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? पहले तो सेंटेंस का मतलब समझो, सेंटेंस क्या है। सो सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इज अ सेट ऑफ वर्ड्स। So a sentence is a set of words, एक set of words है और जिसमें खुद ही एक complete sense छुपी हुई है, that is complete in itself, खुद में ही मतलब खुद में ही एक complete sentence बना। जैसे कि मैंने बोला कि my name is इशिका, सो ये जो मैंने सेंटेंस बोला, सो ये सेट ऑफ वर्ड्स है माय नेम इज इशिका। सो अब इसमें खुद में ही एक पूरी सेंस बनती है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस है ये, ठीक है। सो भाई मेरा नाम इशिका है तो सेंटेंस खत्म हुआ, तो एक सेंस बनती है, एक भाई मैंने मेरा नाम बताया है, ठीक है। सो सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, ठीक है। और एक और जरूरी बात, टिपिकली इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि माय नेम इज इशिका, ठीक है। सो माय नेम इज इशिका, सो माय क्या हुआ सब्जेक्ट, मैं, और नेम इज इशिका वो हुआ प्रेडिकेट, ठीक है भाई। सब्जेक्ट क्या होता है? जो करता है, मतलब जो जो पर्सन है वो सब्जेक्ट होता है, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सो तो हमेशा एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। मेरे ख्याल से ये चीज आप फोर्थ स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो। इसके बाद और सेंटेंस किस किस तरह से हो सकता है, मतलब अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो इट कन्वेज अ स्टेटमेंट, या तो वो स्टेटमेंट दिखाता है, क्वेश्चन दिखाता है, एक्सक्लेमेशन दिखाता है, कमांड दिखाता है, ठीक है। सो या तो स्टेटमेंट दिखाएगा, भाई एक कंप्लीट स्टेटमेंट दिखा रहा है, कोई क्वेश्चन दिखाएगा, या तो एक्सक्लेमेशन दिखाएगा, कमांड ऑर्डर दिखाएगा, ठीक है। सो या तो भाई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा कुछ दिखाएगा। सो सेंटेंस क्या दिखाता है? सेंटेंस ये सारी चीजें दिखाता है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन दिखा सकता है, कमांड दिखा सकता है, स्टेटमेंट, क्वेश्चन। सो अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो तो इनमें से वो कुछ भी दिखा सकता है। स्टेटमेंट भाई जैसे मैंने स्टेटमेंट कोई दिया कि भाई आई विल ओपन माई ट्यूशन टुमारो, सो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट दिया। फिर क्वेश्चन, ठीक है। सो भाई डू यू हैव टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस, तो ये मैंने क्वेश्चन किया। एक्सक्लेमेशन क्या होता है? जब आप सरप्राइज होते हो तो आप सरप्राइजिंगली कमांड किसी को ऑर्डर करते हो, ठीक है। सो इस तरह से सेंटेंस, ये सब सेंटेंसेस में ही आते हैं। आप कुछ भी बोलते हो, आप कुछ भी बोलते हो जिसका सेंटेंस का मीनिंग बनता है, मीनिंग बनना चाहिए, कुछ भी नहीं, मीनिंग बनना चाहिए, कोई सेंस बनना चाहिए, मतलब सेंस हो तो सेंटेंस, सेंस बनता है तो सेंटेंस, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सक्लेमेशन हो, इंटरोगेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं? तो देखो, एक होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस, एक होता है एक्सक्लेमेटरी,
ठीक है। सो इस तरह से ये सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। सो चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट डिक्लेरेटिव, सेकेंड इज इंटरोगेटिव, थर्ड इज इंपरेटिव, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी। चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। सो डी आई आई ई डाई, ठीक है, डाई, डी आई आई ई डाई, ठीक है। सो कोई डाई वाई नहीं होगा, जस्ट याद करने का तरीका, ठीक है। अच्छा, अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सो व्हाट डू यू मीन बाय डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो फर्स्ट नंबर डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो स्टेटमेंट होते हैं जो इंफॉर्मेशन या आइडियाज को कन्वे करते हैं, ठीक है। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट टू कन्वे इंफॉर्मेशन और आइडियाज। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो स्टेटमेंट बनाते हैं कोई इंफॉर्मेशन या आइडियाज को कन्वे करने के लिए। दे आर पंक्चुएटेड विद अ सिंपल फुल स्टॉप। देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो एक स्टेटमेंट होता है, ऐसा समझो, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है या कोई आइडिया बताया जाता है और सिंपली एक फुल स्टॉप से एंड होता है, ठीक है। सिंपल इंफॉर्मेशन, आइडियाज, कुछ भी, जैसे मैंने माय नेम इज इशिका, मैंने क्या किया, मैंने इंफॉर्मेशन दिया। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आई विल ओपन माय ट्यूशन टुमारो, सो ये क्या हुआ, मैंने इंफॉर्मेशन दिया। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आई विल स्लैप यू, ठीक है, ये क्या है, ये भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया भाई मैं स्लैप करूंगी। सो दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स जो मन कहे वो लिखो, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स हुए, मतलब याद रखो डिक्लेरेटिव में फुल स्टॉप। सो फर्स्ट वाला, द milk is kept at the table, मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ कि भाई मिल्क टेबल पे है, फुल स्टॉप। सेकेंड, चाचा चौधरी is my favorite कॉमिक्स, तो ये मैंने क्या किया, ये भी आपको इन्फॉर्म किया। थर्ड, आई लव टीचिंग, ये भी मैंने इन्फॉर्म किया। आई डोंट लाइक इरेगुलर स्टूडेंट्स, तो मैंने ये भी आपको इन्फॉर्म किया भाई मुझे इरेगुलर बच्चे पसंद नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द सिंपल सेंटेंसेस, कुछ भी बोला, ठीक है, पर एक स्टेटमेंट के रूप में है, मैंने सेंटेंस कंप्लीट लिखा, मैंने उसकी सेंस कंप्लीट बनाई, ठीक है। सो दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस क्या था, इंटरोगेटिव। सो ना, इंटरोगेटिव तो बचपन से ही पता है आपको। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरोगेटिव, सो इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है। सो ये तो एकदम हमारा फेवरेट है, क्योंकि इसमें तो एक क्वेश्चन मार्क देख लेते हैं और हम बोल देते हैं भाई ये तो इंटरोगेटिव है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आप सबका फेवरेट होगा, ठीक है। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस
आज का क्वेश्चन, ये क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं एंड एंड इन अ क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछते हैं और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इज इट रेनिंग आउटसाइड, मैं आपसे पूछ रही हूं, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं और कंपलसरी क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करते हैं. अब वहां देखो फुल स्टॉप के साथ एंड करते थे, यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करते हैं. ठीक है, सो इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश पड़ रही है. Do you want tea or coffee? तुम्हें चाय चाहिए या कॉफी, पर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ. Where will you go this Diwali vacation? कहाँ जाओगे? घर पे या तो नानी के घर. क्यों? Because corona. ठीक है, सो इज इट रेनिंग आउटसाइड, ये मैंने क्वेश्चन पूछा. डू यू वॉन्ट टी और कॉफी, ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा. वेयर विल यू गो दिस दिवाली वेकेशन, तुम कहाँ जाओगे, मैंने ये भी आपसे सवाल ही किया. सो ये सब क्या है, क्वेश्चन हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. सो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंसेस. इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसमें आपको कमांड, रिक्वेस्ट, डिजायर, विश, ठीक है, ऐसा सब दिखता है. ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में. और ये मोस्टली ये भी फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं, कभी कभी ये एक्सक्लेमेशन के साथ भी, कभी कभी हाँ कभी कभी एक्सक्लेमेशन के साथ भी एंड होते हैं. सो इम्परेटिव सेंटेंसेस issues commands or request or they can express a desire or wish. ठीक है, सो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, या तो वो कमांड दिखाते हैं, रिक्वेस्ट दिखाते हैं, डिजायर, विश. ठीक है, किसी को कमांड कर रहे हो, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को आप अपनी तमन्ना भाई डिजायर बता रहे हो, भाई मेरी डिजायर है मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, मैं विश कर रही हूँ ऐसा कुछ हो जाए. सो ये सब क्या है, ये है इम्परेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, सो इसका ये एंड कैसे होता है, ये भी एक फुल स्टॉप के साथ मोस्टली एंड होता है, पर कभी कभी एक्सक्लेमेशन, कभी कभी हाँ बहुत कम पर होता है. दे एंड विद अ सिंपल फुल स्टॉप. ठीक है, ये सिंपल फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं और कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, कभी कभी हाँ, एंड वेरी रेयर सिचुएशंस एन एक्सक्लेमेशन मार्क, बहुत कम. ठीक है, सो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जैसे कि Show me the watch you found. मुझे वो वॉच ढूंढ के दो जो तुमने ढूंढी है. Show me the watch you found. तुमने जो वॉच ढूंढी वो मुझे दिखाओ. अब ये तुम सामने वाले को एक डिजायर दिखा रहे हो भाई, उसको अपनी विश दिखा रहे हो, या कमांड भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो. रिक्वेस्ट नहीं होगा क्योंकि रिक्वेस्ट में प्लीज आता है.
सो यहाँ आप एक तरह से उसे शो मी द वॉच, मतलब आप समझो ऑर्डर कर रहे हो वैसा कुछ है। फिर प्लीज कीप साइलेंस, अब यहाँ रिक्वेस्ट करो भाई चुप हो जाओ। थर्ड मीट मी एट पालिका बाजार, कि मुझे पालिका बाजार में मिलना। अब मीट मी एट पालिका बाजार मतलब मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ कि भाई, या रिक्वेस्ट भी कमांड भी कर सकती हूँ। सो ये एक काम करने के लिए ही बोल रही हूँ ना, यहाँ भी देखो शो मी द वॉच, यहाँ भी मैं आपको काम करने बोल रही हूँ। सो ये सब किस में आएगा, इम्परेटिव में आएगा, ठीक है। स्टॉप वॉट यू आर डूइंग एंड कम डांस विद अस, अब यहां देखो एक्सक्लेमेशन लग गया, पर यहां पर देखो आपने कमांड किया उसको, आपने क्या बोला, स्टॉप रुक जा, तू जो भी कर रहा है रुक जा और मेरे साथ हमारे साथ आके डांस कर। सो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ पे भी आपने एक तरह से कमांड ही दिया उसको, पर एक्सक्लेमेशन में आया वो, ठीक है। सो जरूरी नहीं है हमेशा, मोस्टली मैं कह रही हूँ ये रेयर केसेस है। देखो मैंने रेयर वर्ड यूज किया है, रेयर मतलब बहुत कम, बहुत कम आपको, पर ये समझ की बात है। मतलब अगर आपका इम्परेटिव है तो इम्परेटिव में आपका ऑर्डर कमांड विश डिजायर यही सब होगा, ठीक है। सो ये बहुत ही ध्यान से आपकी इंग्लिश पे निर्भर करता है कि आपकी समझ कितनी है इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है। सो दिस वॉज योर इम्परेटिव सेंटेंसेस। सो नाउ अभी हम लास्ट देखते हैं हमारा एक्सक्लेमेटरी। सो अवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग आप जो फील कर रहे हो, वैसे खतरनाक इमोशंस, खतरनाक इन द सेंस आपके इमोशंस दिखाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑलवेज एंड in an exclamation mark, ठीक है। exclamatory sentences हमेशा कैसे end होते हैं, exclamation mark के साथ ही end होते हैं, ठीक है। जैसे कि example, इट्स अ ब्यूटिफुल डे, अब यहाँ मेरे इमोशंस, मतलब मेरे इमोशन उमड़ उमड़ के बोल रहे हैं कि भाई आज तो बहुत ही ज्यादा सुहावना दिन है, ठीक है। इट्स अ ब्यूटिफुल डे, सो मैं कह रही हूँ यार आज तो बहुत ज्यादा सुहावना दिन है, वाओ। फिर सडनली एन एलिफेंट अपीयर्ड, अचानक से एक एलिफेंट दिख गया, ठीक है। ओ माय गॉड दे आर कमिंग, भाई वो आ रहे हैं। सो मोस्टली देखो दुख सरप्राइज, देखो यहाँ पे भाई हैप्पीनेस हो गई, सैडनेस, सरप्राइज, शॉक, डिसबिलीफ,
ठीक है, इन सब में हम एक्सक्लेमेशन, बहुत खुश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, चौंक जाते हैं, शॉक में आ जाते हैं। सो हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है, ये कोई खुशी से बोल रहा है कि भाई आज का दिन तो बेस्ट दिन है। दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है। सो ये क्या हुआ? ये हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। सो इस तरह से ये चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब मैं आपको जो तीन चार सेंटेंसेस लिख के देती हूँ और आप मुझे बताओ कि कौन सा सेंटेंस क्या है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई कुछ मैं आपको, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस आस्क्ड बिलो, ठीक है। आइडेंटिफाई करो कि कैसे सेंटेंसेस हैं, ठीक है। सो फर्स्ट, वॉच आउट फॉर द जग, वॉच आउट फॉर द जग, भाई जग के लिए देखो, ठीक है। ऑर्डर कर रहा है कोई, सो दिस इज इम्परेटिव। अब यहाँ देखो ऑर्डर है, अब मैंने आपको कहा था कंफ्यूज नहीं होना, देखो यहाँ ऑर्डर जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ ऑर्डर जैसा दिख रहा है, तो इम्परेटिव। वॉट अ व्यू, क्या नजारा है, तो ये क्या हुआ? वॉट अ व्यू, तो ये हुआ एक्सक्लेमेटरी। फिर डिड हीना बीट मीना, क्या हीना ने मीना को मारा? सो दिस इज इंटरोगेटिव, कोई पूछ रहा है। फिर मेक श्योर, मेक श्योर यू पे योर बिल्स ऑन टाइम, भाई मेक श्योर करो पक्का तुम अपने बिल्स अपने टाइम पे भर दोगे। ये क्या है? ये आप सामने वाले को एक चेता रहे हो, चेतावनी जैसा दे रहे हो कि भाई मेक श्योर कर लेना तू तेरे बिल टाइम पे भर देना, ठीक है। तू तेरे बिल टाइम पे नहीं भरता है, भर देना, ठीक है। सो ये एक आप तरह से, एक तरह से धमका रहे हो या चेता रहे हो, जो भी आप बोलो, ठीक है, समझा रहे हो। गो गेट द नाइफ फ्रॉम द किचन, जा और किचन से नाइफ लेके आ। सो ये मैं क्या कर रही हूँ? ये भी इम्परेटिव ऑर्डर दे रही हूँ, भाई किचन से जाके नाइफ लेके आ। सो ये मैं इम्परेटिव ऑर्डर है, ठीक है। फिर माय मदर केम बैक फ्रॉम द मार्केट, मेरी मम्मी मार्केट से वापस आई। सो ये क्या है? ये मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, इन्फॉर्म कर रही हूँ। सो डिक्लेरेटिव, एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। डू यू लाइक कोकोनट, क्या तुम्हें कोकोनट पसंद है? सो दिस इज सिंपल इंटरोगेटिव ही तो है।
ठीक है। सो इस तरह से आप मतलब सेंटेंसेस का आप पता कर सकते हो। ठीक है, सो दीज वर ऑल अबाउट योर फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आई होप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपका क्लियर हुआ। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड प्लीज व्हाट्सएप मी। थैंक यू।